कार्तिक, आज का एग्ज़ाम कैसा गया आपका? सर काफ़ी अच्छा था, मतलब पहले एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर आया तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ओके, सो सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? एक्चुअली हमारे सर ने बोला था कि लाइक जो आपको आते हो सिर्फ वही करना, तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी अटेम्प्ट किए। ओके, क्वेश्चन पेपर इजी था या डिफ़िकल्ट था? डिफिकल्ट भी नहीं, तो इजी नहीं, मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट था, अच्छा था। ओके, कौन सा पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स? फिजिक्स, मैंने सारे क्वेश्चन मतलब तीनों पार्ट में इक्वली किए हैं। ओके, तो आकाश के जो मॉक टेस्ट रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, असाइनमेंट्स रहता है, उन्होंने हेल्प किया आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में? मतलब काफ़ी यूजफुल थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लाइक ईजी लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी थे। ओके, तो कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी जेईई मेंस में जो आज आपने दिया? 120 या उसके करीब। ओके, कोई मैसेज देना चाहते हो आगे जो जेईई मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कोई मैसेज आपके आपके द्वारा? प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, जो आता हो वो पार्ट पहले करो। जैसे हमारे सर ने बोला था कि जो आप केमिस्ट्री से शुरू करो, क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, आपको जल्दी हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स। तो मैंने भी वैसे किया था एंड उसके हिसाब से मेरा पेपर काफ़ी पहले हो गया था। ओके, और अभी जैसे इंस्टीट्यूट हमारे ओपन हो गए हैं, उसमें जो सेफ्टी और हाइजीन हम एग्ज़ाम अपने जो सेंटर में अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किस तरह का था अभी जैसे एग्ज़ाम आपने दिया अंदर? एक्चुअली बढ़िया था, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, मास्क भी सभी को बोले थे पहनने के लिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। चलो, थैंक यू सो मच।